हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर टॉप 4 बेस्ट प्रीमियम डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन बताने वाले हैं, जो कि 5G स्मार्टफोन है। और इन स्मार्टफोनों के अंदर आपको टॉप नॉच लेवल के एडवांस फीचर देखने को मिलेंगे। प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 18,000 के अंडर देखने को मिलेंगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप कोई 18,000 के प्राइस पॉइंट पर बेस्ट प्रीमियम डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन बाय करने का सोच रहे हैं, जिसमें आपको किसी फीचर में कंप्रोमाइज़ करना ना पड़े, बैटरी चार्जिंग डिस्प्ले, साथ ही आपको कैमरा सेटअप अच्छा देखने को मिल जाए, प्रोसेसर भी पावरफुल देखने को मिल जाए जिसकी वजह से हैवी गेमिंग कर सकें, तो आप ये वीडियो पूरा देख लेना। विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है रियलमी की तरफ से, Realme GT Neo 3T। ये स्मार्टफोन 18,000 के अंडर देखने को मिलेगा। ओवरऑल 5G स्मार्टफोन के साथ इसमें आपको काफ़ी अच्छी न्यू प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलती है। बैक में स्पेक्स भी टॉप नॉच लेवल के हैं। AMOLED 6.62 इंचेस की डिस्प्ले है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ की सपोर्ट है, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले एकदम फ्लैगशिप लेवल की है। इसमें प्रोसेसर आपको ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला 870 देखने को मिलता है, जो कि 5G प्रोसेसर है। 7 नैनोमीटर के साथ आता है, अपग्रेडेबल एंड्रॉइड 13 है एंड रियलमी UI 4.0 पर रन करता है। काफी ज्यादा आपको नीट एंड क्लीन यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। 6GB प्लस 128GB के बेस वेरिएंट से आता है। UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज है। रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, 4K/60fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। स्टूडियो स्पीकर्स के साथ इसमें आपको लाइक ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5000mAh की बैटरी है और 80W का वायर्ड फास्ट चार्जर है। 7,26,000 आपको 7 अंतुतु स्कोर देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा स्कोर है इस स्मार्टफोन का। साथ ही बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन की बैक पे आपको टेक्सचर टाइप का प्रिंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी यूनिक इसकी आपको बैक डिज़ाइन देखने को मिलती है। प्लास्टिक का फ्रेम, प्लास्टिक की बैक, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 194.5 ग्राम का वेट, 8.7mm की थिकनेस है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम है। डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं 18,000 के प्राइस पॉइंट पर। नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं, ये भी रहता है रियलमी की तरफ से, अगेन नार्जो 50 प्रो। दोस्तों, ये स्मार्टफोन के प्राइस जो है 20,000 के अराउंड ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, लेकिन इस टाइम पर इस स्मार्टफोन के प्राइस अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म पर 18,000 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आप परचेस कर सकते हैं, बिकॉज फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। ओके, सुपर AMOLED 6.4 इंचेस की डिस्प्ले है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इसमें आपको चिपसेट MediaTek Dimensity वाला 926nm के साथ आपको 5G चिपसेट देखने को मिलता है। अपग्रेडेबल एंड्रॉइड 13 है, रियलमी UI 4.0 पर रन करता है। 6GB प्लस 128GB के बेस वेरिएंट से आता है। UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है। रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। फ्रंट में 16MP का आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्टीरियो स्पीकर्स के साथ 3.5mm का जैक भी ऑफर किया गया है, तो आप ईयरफोन इजीली यूज कर सकते हैं। USB टाइप सी 2.2, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, साथ ही 5000mAh की बैटरी है, 33W का वायर्ड फास्ट चार्जर है। दो प्रीमियम कलर्स की में बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 181g का वेट और 8mm की थिकनेस देखने को मिलती है। इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन इस टाइम पर सेल में आपको देखने को मिल जाएगा 18,000 का। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इस स्मार्टफोन के एग्जैक्ट प्राइस आपको 20,000 के देखने को मिलते थे पहले। नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो ये रहता है मोटोरोला की तरफ से Moto G73। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको 18,000 के अंदर देखने को मिलेगा। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, प्रीमियम डिज़ाइन है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। स्पेक्स आपको टॉप नॉच लेवल के देखने को मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे फीचर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको IPS LCD 6.5 इंच की डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। चिपसेट इसमें आपको MediaTek Dimensity वाला 930 देखने को मिलता है, 6nm के साथ आता है। अपग्रेडेबल एंड्रॉइड 13 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड 8GB प्लस 128GB का बेस वेरिएंट है। रियर पार्ट में डुअल कैमरा सेटअप है, 50MP का प्राइमरी कैमरा एंड 8MP का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। आप ब्लॉगिंग इजीली कर सकते हैं रियर कैमरे के थ्रू। फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा है। स्टीरियो स्पीकर्स के साथ 3.5mm का जैक भी है। OTG सपोर्ट करता है। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर है। 5000mAh की बैटरी के साथ 33W का लाइक फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, साथ ही ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर 181g का वेट देखने को मिलता है और 8.3mm की थिकनेस देखने को मिलती है। मोटोरोला का फोन है तो डेफिनेटली इसमें आपको वाटर रेसिस्टेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इस स्मार्टफोन के ऊपर पानी गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपके इस स्मार्टफोन के अंदर। ओके, ये स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छा है, बेटर वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप मोटोरोला का परचेस करना चाहते हैं 18,000 के अंदर स्मार्टफोन, तो आप मोटो
G73 को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट के फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है दोस्तों वीवो की तरफ से वीवो T2, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। स्मार्टफोन की डिज़ाइन आपको काफ़ी पसंद आ सकती है, बिकॉज बैक में आपको काफ़ी बड़े बड़े दो कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं। लाइक स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर बताऊं तो AMOLED 6.38 इंचेस की डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, एंड डिस्प्ले के अंदर आपको 84.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलेगा। साइड बेजल काफ़ी ज़्यादा पतली हैं। ओके, चिपसेट इसमें आपको ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला 695 5G चिपसेट देखने को मिलता है, 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 13 एंड फंटस 13 पर रन करता है। काफ़ी ज़्यादा आपको पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है, इजीली आप हैवी गेमिंग कर सकते हैं। 6GB प्लस 128GB के बेस वेरिएंट से आता है। रियर पार्ट में डुअल कैमरा सेटअप है, 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 2 MP का डेप्थ लेंस, फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा है, एंड इस स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm का जैक भी ऑफर किया गया है, जो कि आप इजीली जो है ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। OTG सपोर्ट करता है, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 4500 mAh की बैटरी है, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको दो प्रीमियम कलर स्कीम देखने को मिलेंगी, फर्स्ट नाइट्रो ब्लेज एंड सेकंड वेलोसिटी वेव, जो कि काफ़ी यूनिक कलर स्कीम है। एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। प्लास्टिक की बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है, 172 ग्राम का वेट है और 7.8 mm की थिकनेस है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम है, तो आप वीवो T2 को भी परचेस कर सकते हैं। रिसेंटली इसका न्यू मॉडल लॉन्च हो चुका है, 5G स्मार्टफोन है, बेटर वैल्यू फॉर मनी है। बाकी चारों स्मार्टफोन अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपने प्राइस पॉइंट पर, अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे हैं। आप अपनी प्रायोरिटी या फिर नीड या फिर चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा स्मार्टफोन भी परचेस कर सकते हैं, बिकॉज किसी स्मार्टफोन के अंदर कोई फीचर ज़्यादा है तो किसी में आपको कोई फीचर ज़्यादा देखने को मिलता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा परचेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।